केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन को शांति एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने के लिए क्रीड़ा मैदान अगस्त मुनि में उपचुनाव ड्यूटी में नियुक्त समस्त सुरक्षा कार्मिकों की पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने ब्रीफिंग किया। इसी दौरान मुख्य विकास अधिकारी जीएस खाती ने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हेतु हम सभी भारत निर्वाचन आयोग के अधीन प्रतिनियुक्ति पर हैं। ऐसे में हमें अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करना है। पुलिस अधीक्षक अजय प्रहलाद कोंडे ने उपस्थित सभी कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि इस उपचुनाव में हर किसी की नजर हम पर रहेगी, इसलिए ऐसा कोई भी कृत्य न करे जिससे कि सभी की छवि खराब हो। इसके साथ ही उन्होंने उपस्थित पुलिस बल को शुभकामनाएं देते हुए अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव श्री केदारनाथ विधानसभा का 2024 का आज 18 तारीख को बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्रीफिंग हो गई। सुरक्षा का इंतज़ाम मैं कहूँ तो हमारे पास लगभग 1000 से भी ज़्यादा पुलिस पर्सनल यहाँ अरेंजमेंट में लगे। 3 CAPF की टुकड़ियाँ तथा एक हमारी उत्तराखंड पुलिस की अहम बटालियन की 4 टोटल कंपनीज हमारे पास अवेलेबल है और सारे भी जो पुलिस कर्मचारी है वो बहुत ही उत्साहित नज़र आए और उनको लेके जो ट्रैवलिंग अरेंजमेंट हो या सुरक्षा के इंतज़ाम हो, रहने का अरेंजमेंट है, ये भी हमारे द्वारा किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है ये पूर्व वर्ष के भांति इस साल का चुनाव भी बहुत ही अच्छा और अच्छे माहौल में बिना किसी रुकावट के संपन्न हो।